लंच बॉक्स में आप कैरमलाइज कुकीज खाते हैं जिसे क्रिस्पी बना दिया है विकी कौशल ने बिल्कुल कटरीना से अपने रिश्तों की तरह। विकी कौशल ने कटरीना से उनकी नजदीकियों के बारे में खुलकर सफाई दी है लेकिन अपने रिश्ते को एक अफवाह बता दिया। लेकिन अटकलों में तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या उनकी इस सफाई पर लोगों को यकीन होगा। एक इवेंट के रेड कार्पेट पर कटरीना ग्रे शॉर्ट ड्रेस पहनकर पहुंची, मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाई और इवेंट में शामिल होने अंदर चली गईं। कटरीना तो चली गईं लेकिन लोगों की नजरें कटरीना के बाद विकी कौशल के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगी। कटरीना और विकी कौशल की दोस्ती और नजदीकियों की खबरें काफी समय से चर्चा में है। कई मौकों पर दोनों साथ नजर आ चुके हैं, जबकि हाल ही में कटरीना विकी कौशल के भाई की वेब सीरीज की स्क्रीनिंग के मौके पर खास मेहमान बनकर पहुंची थी। अभी कुछ समय पहले भी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कटरीना और विकी अपने एक दोस्त के घर रखी गई एक पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां दोनों साथ नजर आए। जबकि इससे पहले भी विकी और कटरीना एक साथ एक होटल में एक शेफ के साथ नजर आए थे, जिसके बाद चर्चा होने लगी थी कि दोनों डिनर डेट पर साथ गए थे। वहीं इससे पहले पिछले साल दिवाली पार्टी में कटरीना और विकी पहुंचे तो वक्त ने उनके साथ की चुगली कर दी थी। दोनों के रिश्तों पर चर्चा हमेशा गर्म रहती है लेकिन दोनों इन अटकलों और सवालों पर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन अब विकी कौशल ने चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में विकी कौशल से कटरीना से उनकी नजदीकियों से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया, जिस पर विकी ने इसे महज अफवाह बता दिया। मुझे नहीं लगता कि इस पर सफाई देने की कोई जरूरत है। मैं हमेशा अपने निजी रिश्तों पर खुलकर बोलता आया हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसी कोई कहानी नहीं है। इतना ही नहीं, विकी ने ये भी जताने की कोशिश की कि वो कटरीना से अपने रिश्तों के बारे में कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो आपको उसे साबित करना पड़ता है और उसके लिए दलील देते रहना पड़ता है और फिर आप और झूठ बोलते जाते हैं। अगर आप कोई एक बयान दें तो चर्चा गर्म हो जाती है और जब ये दोबारा आप तक पहुंचती है तो वो बदल चुकी होती है और सवाल भी अलग हो जाते हैं, फिर आपको उन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। सच कहूं तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। विकी कौशल बड़ी सफाई से कटरीना से अपने रिश्तों पर जवाब दे रहे थे लेकिन लोग तो फिर कयास लगाने लगे और कहने लगे कि विकी भले ही अपने रिश्तों के बारे में खुलकर बात करने की बात कहते हों लेकिन असल में उन्हें अपने रिश्ते छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब विकी मीडिया के सामने आए और उनसे कटरीना से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया हो। इससे पहले भी विकी कौशल की आने वाली फिल्म भूत के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उनसे कटरीना से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया लेकिन उसे विकी ने ही नहीं करण ने भी बड़ी ही सफाई से मजाक में टाल दिया। Excuse me, ma'am. I just मुझे आपने शादी.com कब से बना दिया? मैं अच्छा भला निर्माता निर्देशक बहुत सारी चीजें हूँ, मैं मैच मेकर नहीं हूँ, मैं लोगों के पर्सनल लाइफ के अंदर नहीं घुसता। विकी और करण भले ही सवाल को टाल रहे थे लेकिन सबका ध्यान तो उनके चेहरे के हाव भाव पर गया जो कटरीना से जुड़े सवाल सुनकर शर्माने का एहसास करा रहे थे और उनके दिल के हाल की चुगली कर रहे थे। उधर करण के इस जवाब ने उस वाक्य को भी याद दिला दिया जब विकी करण के टीवी शो कॉफी विद करण में पहुंचे थे और अपना नाम कटरीना के साथ सुनकर ही गश खाकर गिर पड़े थे। Recently on Coffee with Karan, Katrina Kaif said that you and she would look great together. Your response to her would be, really? Yeah. इसी शो में विकी ने कटरीना के साथ फिल्म करने की इच्छा भी जाहिर की थी लेकिन अब तक वो मौका नहीं आया जब विकी और कटरीना ने साथ में कोई फिल्म की हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो। कटरीना अभी रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में बिजी हैं, तो वहीं विकी भूत के बाद अपनी अगली फिल्म सरदार उधम सिंह की तैयारी में जुटे हैं। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं लेकिन फिर भी वक्त निकाल कर एक साथ नजर आ ही जाते हैं और यही वजह है कि दोनों कितना भी कुछ कहें, दोनों की नजदीकियों से जुड़े चर्चे तो होते ही रहेंगे।